पार्टी के बैंक खातों पर मोदी सरकार की तालाबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता गया के स्थानीय टावर चौक पर कांग्रेस पार्टी एवं युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने वाली 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी एवं युवा कांग्रेस के बैंक खातों को मोदी सरकार फ्रीज कर लोकतंत्र पर तालाबंदी करने का काम किया है। नेताओं ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों में देश भर के कांग्रेस जनों के द्वारा दिए गए 138 रुपये से आए 25 करोड़ रुपये तथा युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान से आए 210 करोड़ रुपये वाली राशि है, जिस पर आयकर विभाग ने पार्टी पर नोटिस जारी किया है। नेताओं ने कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि जब देश में एक दो सप्ताह में लोकसभा चुनाव की घोषणा होना है, देश के प्रमुख विपक्षी दल के बैंक खातों को बंद करना लोकतंत्र की हत्या है। नेताओं ने कहा यह कहां का न्याय है, जब एक ओर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर जो देश के कॉरपोरेट द्वारा पार्टी को चंदा की राशि मिलती है उस पर किए गए टिप्पणियों को अनदेखी कर देश के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खातों को बंद किया जाता है। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस कमेटी के सरमान नेता विश्व लोकतंत्र के महानायक आम जन की आवाज राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी।